एक बात हमेशा याद रखना, शेर के पंजे से हाथी तो क्या मक्खी भी बचकर नहीं निकल सकती। वहाँ क्या शेर था? शेर नहीं, उन्होंने मक्खी कहा। खामोश। महाराज सीजर जी, क्या आपके कमरे में मक्खियाँ भिनभिना रही हैं? या फिर आपके कमरे में शेर घुसा है? या फिर हाथी है? मेरा मतलब था कि मैं यहाँ का शेर हूँ और कुछ मक्खियाँ मुझे बड़ा तंग कर रही हैं। असली मक्खियाँ नहीं, मेरा मतलब है कुछ जंगली लोग जो यहाँ ब्रिटनी में रहते हैं। ये लोग मुझे नहीं बल्कि अपने आप को राजा मानते हैं और मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकता। तुम समझ रहे हो ना मैं क्या कह रहा हूँ? इस ब्रिटनी नाम के जंगल में रहने वालों को मजा चखाने का अब एक ही रास्ता है। आपने मुझसे कुछ कहा क्या? रास्ता दिखाओगे वकूफ? ये है आखिरी रास्ता। उनके आसपास के सारे जंगल तोड़ के हम बड़े बड़े टावर बना देंगे, जिससे जंगल बनेगा शहर और ब्रिटनी वासियों पे छा जाएगा कहर। इस शहर को बनवाने का काम मैंने दिया है आर्किटेक्ट स्क्वायर ऑन द हाइपोटेनस को। इन्हें टावर बनाने का एक्सपीरियंस तो नहीं है, लेकिन ये बीच में रेत के किले बनाते हैं। सीजर महाराज की जय हो। वाह, क्या प्लान है। वैसे शहर का नाम क्या होगा? सीजर महाराज। वैसे मेरे दिमाग में एक बढ़िया नाम था, बेकार था। मेरे दिमाग में सीजर नगर था। कोई अच्छा नाम सुझाइए मंत्री महोदय। कोई ऐसा नाम हो जिसे सुनकर सबके होश उड़ जाए। कोई धमाकेदार नाम हो। बम बम? तुमने तो कहा धमाकेदार चाहिए। हाँ, लेकिन बम सुन के लोग डर गए तो छोड़ दो। मेरे दिमाग में एक नाम है, द मैंशंस ऑफ द गॉड्स। द मैंशंस ऑफ द गॉड्स, ये कैसा नाम है? वैसे इतना बुरा भी नहीं है।